नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कौशिक आज आपको व्यंजन संधि के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से देखना, व्यंजन के बाद व्यंजन बताओ के खे गए गए ये सारे व्यंजन होते हैं। के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसमें क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। यानी इसके बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए तो उसमें जो परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहला नियम है इसका, वर्ग के पहले वर्ण। वर्ग कैसे? जैसे के वर्ग, के खे गे गे, चे वर्ग, टे वर्ग, पे वर्ग, ते वर्ग, ये पांच वर्ग होते हैं। इसी तरह के, चे, टे, ते, पे। इसे पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी के का गे में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए, दिक्त जमात के का तीसरा कौन सा होगा? गए। ये भी बता था पहले का तीसरे में परिवर्तन। रिक जमा वेद, रिक वेद, तत् जमा रूप, तत् रूप, सुप जमा बंद, पै पै बै, पै है बै, है ना तीसरे में। तो ये तीसरे में ऐसे परिवर्तन मिलेगा, दिक्त जमा पर दिगंबर, सत् जमा आनंद, सदानंद। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि कहीं पर भी आपको शब्द के बीच में ये दिख रहे हैं कै जे डे बे, तो वहां पर क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट है इसका, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कै खे गे गे, तो इसका इसमें परिवर्तन मिलेगा आपको। देखो उत जमा मत उन्मत, सट जमा मास सन्मास आखिरी में, जित जमा में चिन्ह में, तत जमा में तन में, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, उप जमा में उपमें उमें। अगला है छह संबंधि नियम। इसमें एक बात और थी, जैसे कै चे पे दे पे, इसमें ये मिलेंगे आपको लास्ट में। छह संबंधि नियम देखिए, इसमें दीर्घ दीर्घ समझते होंगे, आ बड़ी बढ़ाओ, ए आई ओ, अंग और ए को छोड़कर बाकी जितने दीर्घ हैं उनको और अर्सव सवर अर्सो एयूरी, इन दोनों छह से पहले ये दोनों आए तो बीच में क्या हो जाएगा? चे, चे में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सव छंद छे, ये चे हो गया, जैसे ए जमा में छे, छे से पहले ये आया सब और बोला था मैंने आपको अर्सो, तो इसका क्या हो गया? चे। अनुच्छेद में देखिए उ छे, इसके बीच में क्या आएगा? अनुच्छेद। देखो ये अगला है तय संबंधी नियम। तय में क्या है? जैसे स्वतंत्र देखें उत्तर जमा स्वास, यानी से, से आए, से से पहले क्या है? ताए, तो इसमें हो जाएगा से में हो जाएगा, से से पहले से आए तो इसमें हो जाएगा, तय के बाद तय ऐ के बाद यह है तो दय में हो जाएगा, ऐ के बाद ऐ आए तो दय में हो जाएगा। जैसे उत्तर जमा आर उदार, सत जमा शास्त्र सत्शास्त्र, तद जमा हेतु तदित। नए संबंधि नियम, री रे शे, री रे शे, नए से पहले ये आ जाए, नए से पहले अगर ये तीनों में से कोई आ जाए तो अने में परिवर्तित हो जाए। जैसे परिणाम, नए से पहले रे परिणाम, नए का क्या बन जाएगा? अने बोला था मैंने अने। कृष्ण क्री प्लस क्रिस प्लस नए, कृष्ण वर प्लस नए, नए का क्या बना? अने बन गया। री प्लस ने, ने का फिर रहे मतलब परमान। ये देखो इनमें तो ये यहाँ था, इसमें लास्ट में था वो भी नहीं, इसको छोड़ा वहां भी ने का अने बन गया। अगला नियम है मैं संबंधि नियम। मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता उसी वर्ग का नासिक व्यंजन, यानी जो लास्ट में पांच होते हैं।